में लोग कितने लापरवाह हैं उसका जीता जागता उदाहरण अस्पताल रोड पर देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति अपनी कार अस्पताल रोड पर खड़ा कर वहां से चला गया और अस्पताल की परिधि में बहुत बड़ा जाम लग गया। आने जाने वाले लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खुदा न खास्ता अगर इस समय आपातकाल रोगी लेकर अगर कोई एम्बुलेंस पहुंच जाती तो विस्मय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकती थी। जाम में फंसने से एक ट्रक और ऑटो की टक्कर भी हो गई थी। इसके अलावा भी काफी अव्यवस्था देखने को मिली। पुलिस ने आकर गाड़ी का चालान कर दिया। लोग कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अस्पताल रोड पर यातायात व्यवस्था बेहद चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति सड़क पर गाड़ी खड़ा कर कहीं चला गया जिसकी वजह से गाड़ियों का जाम लग गया। उन्होंने कहा कि गाड़ी पर कोई भी संपर्क नंबर नहीं था जिसकी वजह से उसे संपर्क भी साधा नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस रोड पर कभी भी आपातकाल में एम्बुलेंस आ सकती है, लेकिन लापरवाह व्यक्ति ने इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस कार की वजह से यहां से गुजरने वाले वाहनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क तंग होने की वजह से एक ऑटो और ट्रक की टक्कर हो गई। ऑटो चालक की जान पर बन आई थी, इसलिए ऐसे लापरवाह व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। से जो ये उसका रोड है, हॉस्पिटल रोड है, जाम लगना वैसे मरीज भी होते हैं, तो ना इसमें अब से आधे घंटे से खड़ी की हुई है, ना इसमें कोई फ़ोन नंबर लिखा हुआ ना बता रहा, मतलब पता है लापरवाही से मोड़ पे है, बिल्कुल मोड़ पे, इसकी वजह से कम भी एक घंटा जो है परेशान हुए सब लोग। इसमें तो वही है कि मतलब ऐसी जगह पे खुद आदमी को सोचना चाहिए, पुलिस भी कहाँ तक करेगी, इसको आदमी को सोचना चाहिए भी या तो पार्किंग में लगाए या फिर उसको उस तरीके से वहीं पे रहे ताकि टाइम आने पे हटानी भी पड़ जाती है। हाँ देखिए, हॉस्पिटल रोड है, यहाँ पे आपको पता है कि कई तरीके के यहाँ मरीज आते हैं, और यदि इसी प्रकार के यहाँ पे ये ऐसे जाम लगता रहा तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गाड़ी लगी हुई है और इसकी वजह से यहाँ पे भारी, बहुत भारी जाम लगा हुआ है, और देख सकते हैं आप कि कितना यहाँ जाम लगा, कितने लोगों को यहाँ समस्या हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टिप्पर लगा है, इसके पीछे एक ऑटो वाला खड़ा था। देख सकते हैं आप कोरोना महामारी में सोलन में जो ऑटो वाले हैं उनको बड़ी मुशक्क़त के बाद ऑटो चलाने का समय मिला है, लेकिन यहाँ पे इस गाड़ी की वजह से जाम लगा और ऑटो वाले का भारी नुकसान हुआ, शीशा फट गया है और उसकी जान माल का भी खतरा था, उसके जो शीशा उसका फटा है वो उसके भी सिर पे लग सकता था।